हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्क और आप देख रहे हो हाईटेक ब्रो। दोस्तों आज का वीडियो होगा गेमिंग स्मार्टफोन्स का बारे में अंडर ₹20,000। सो ऑब्वियसली हम लोग परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड इन फोन्स को हम लोग रैंकिंग भी करेंगे 5 से 1 तक। एंड लास्ट में आप लोग ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा फोन सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा। सो आशा करते हैं आप लोग वीडियो आगे मजा आएगा, वीडियो को आगे पूरा एंजॉय कीजिए। दोस्तों सबसे पहले यानी कि 5th नंबर पे जो फोन है हम लोग का लिस्ट में, वो Xiaomi की तरफ से है और उसका नाम है Redmi Note 11 Pro Plus। इसमें लगा हुआ है Snapdragon का 695 चिपसेट जो 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है एंड उसी का साथ ये Adreno 619 ग्राफिक्स के साथ भी आता है। बाकी इसमें LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। सो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इसका मदद से काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। बट सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, इसका कैमरास भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। इस फोन का पीछे में आप लोग मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप 108+8+2 मेगापिक्सल्स का और जो सामने वाला कैमरा वो है 16 मेगापिक्सल्स का। एंड इसका डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है 6.67 इंचेस का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आप लोगों को मिल जाता है 1200 निट्स का ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी। एंड इन सभी का साथ इसमें आप लोगों को मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी जो 67W टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G का 6+120G वाला वेरिएंट आप लोगों को 20,000 में मिल जाता है। इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। बाय द वे दोस्तों, जितने भी सारे फोन्स होगा हम लोग का लिस्ट में उन सभी का बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। अगर इनमें से आप लोग कोई भी खरीदना है या इनके बारे में डिटेल्स में जानना है तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर हम लोग का लिंक से आप लोग खरीदते हो देन हम लोग का चैनल को थोड़ा सा मदद मिल जाता है ऐसे और वीडियोस आप लोग के लिए लाने के लिए। उसका बाद 4th नंबर पे जो फोन है हम लोग का लिस्ट में, वो OnePlus की तरफ से है और उसका नाम है OnePlus Nord CE2 Lite 5G। इसमें भी आप लोगों को Snapdragon का 695 चिपसेट मिल जाता है विद Adreno 619 का ग्राफिक्स, LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप एंड ये आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इसी का साथ इसमें आप लोग को मिल जाता है 33W का सुपरबुक चार्जिंग का सपोर्ट और 5000 mAh का बड़ा बैटरी भी। एंड इसका डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आप लोग को मिल जाता है एक 6.59 इंचेस का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज वाला IPS LCD डिस्प्ले एंड इन सभी साथ इस फोन का पीछे में आप लोगों को मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप 64+2+2 मेगापिक्सल्स का एंड सामने में सेल्फीज के लिए एक 16 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो OnePlus Nord CE2 Lite का 6+120G वाला वेरिएंट आप लोगों को 19,000 में मिल जाता है। इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे प्रोवाइडेड रहेगा। उसका बाद 3rd नंबर पे जो फोन है हम लोग का लिस्ट में, वो इन्फिनिक्स की तरफ से है और उसका नाम है इन्फिनिक्स 05G। इस फोन में आप लोगों को मिल जाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 चिपसेट जो अगेन 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है एंड इसमें आप लोगों को मिल जाता है माली G68 का ग्राफिक्स जो आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। एंड सिर्फ यही नहीं, इसमें आप लोगों को LPDDR5 RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी मिलता है जो आपका फोन को और भी ज्यादा फास्ट बना देता है। तो डेफिनेटली गेमिंग करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा इससे मजा आने वाला है। बाकी इसका डिस्प्ले भी बड़ा है, इसमें आप लोगों को मिल जाता है 6.78 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज वाला IPS LCD डिस्प्ले और उसी का साथ फोन का पीछे में ट्रिपल कैमरा सेटअप 48+13+2 मेगापिक्सल्स का एंड ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है एट 30 FPS एंड जो सामने वाला कैमरा वो है 16 मेगापिक्सल्स का एंड इसमें आप लोग डुअल LED भी मिलता है। सो लो लाइट सेल्फीज वगैरह भी इससे बहुत ज्यादा बढ़िया आता है। बाकी इन सभी का साथ इसमें आप लोगों को मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो इन्फिनिक्स 05G का 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को बस 18,000 में मिल जाता है। इसका भी बेस्ट बैलेंस नीचे दिया हुआ रहेगा। दोस्तों उसका बाद दूसरे नंबर पे जो फोन है हम लोग का लिस्ट में, वो Realme का तरफ से है और उसका नाम है Realme 9 5G SE यानी कि स्पीड एडिशन। ये वाला फोन में आप लोग को मिल जाता है इस सेगमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर जो है Snapdragon का 778G एंड ये भी 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है एंड उसी का साथ Adreno 642L ग्राफिक्स का सपोर्ट भी इसमें आप लोग को मिल जाता है एंड LPDDR4X RAM टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप इसमें आप लोग को मिल जाता है। सो इस प्राइस सेगमेंट में गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 5G प्रोसेसर यही है। सो गेम्स वगैरह के लिए आप लोग इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बाकी वाला फोन में आप लोगों को मिल जाता है एक 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस 144 हर्ट्ज वाला IPS LCD डिस्प्ले। सो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग का टाइम में या गेम्स खेलने का टाइम में आप लोगों को बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करें तो इसमें भी आप लोगों को मिल जाता है 5000 mAh का बड़ा बैटरी एंड ये सपोर्ट करता है 30W का डॉट चार्जिंग को। बाकी इन सभी का साथ इस फोन का भी पीछे में आप लोगों को मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप 48+2+2 मेगापिक्सल्स का एंड ये भी 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है एट 30 FPS एंड इसका भी सामने में आप लोगों को एक 16 मेगापिक्सल्स का कैमरा मिल जाता है। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो Realme 9 5G SE का 6+120G वाला वेरिएंट आप लोगों को 20,000 में मिल जाता है। इसका भी लिंक्स नीचे प्रोवाइडेड रहेगा। दोस्तों अभी नंबर 1 वाला फोन बताने से पहले, अगर आप लोग हम लोग का चैनल पे न्यू हो देन प्लीज हम लोग का चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है सो प्लीज कर लेना। हम लोग का चैनल पे आप लोग ऐसे ही टॉप 5 बेस्ट ऑफ का वीडियो देखने को मिल जाता है। तो अगर ऐसा कंटेंट आप लोग को पसंद है देन हम लोग के साथ जुड़ के आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना।
दोस्तों ये फाइनली नंबर वन पे जो फोन है हम लोग का लिस्ट में, उसका नाम है पोको X3 Pro। ये वाला फोन थोड़ा सा पुराना जरूर है, बट इसमें आप लोगों को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 860 चिपसेट, जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। उसी का साथ इसमें मिल जाता है आप लोग Adreno 640 ग्राफिक्स, LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी। बट ये एक 4G प्रोसेसर है, तो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए नहीं है, बट अगर आप लोग गेमिंग के लिए फोन चाहिए अंडर 20,000 देन ये वाला प्रोसेसर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसका सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, इसका कैमरास भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। इस फोन का पीछे में आप लोगों को मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप 48+8+2+2 मेगापिक्सल का। एंड इससे आप लोग 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड सामने में आप लोगों को मिल जाता है एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बाकी इसका डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है एक 6.67 इंच का फुल HD +120Hz वाला IPS LCD डिस्प्ले, जिसमें आप लोगों को मिल जाता है HDR10+ का सपोर्ट और Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन भी। बाकी इन सभी का साथ इसमें आप लोगों को मिल जाता है डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट, 5160mAh का बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो पोको X3 Pro का 6+128GB आप लोगों को मिल जाता है 20,000 में, बट वीडियो बनाने का टाइम में ये आउट ऑफ स्टॉक है। इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है वही अवेलेबल है, जो है 8+128GB एंड ये आप लोगों को मिल जाता है 22,000 में। वैसे बेस्ट बाय लिंक हम लोग नीचे प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हो। दोस्तों अभी बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। सो देखिए, अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर चाहिए अंडर 20,000 देन पोको X3 Pro आप लोगों को वो प्रोवाइड कर देता है, जिसका मदद से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। बट ये एक 4G प्रोसेसर है, अगर आप लोग एक 5G प्रोसेसर वाला फोन चाहिए देन आप लोग Realme 9 5G SE के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोग सबसे तगड़ा 5G गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, जो है Snapdragon 778G चिपसेट। तो डेफिनेटली इसके लिए आप लोग जा सकते हो, बट अगर आप लोग को ज्यादा रैम का डिमांड है तो Infinix Zero 5G आप लोग को बस 18,000 में 8GB रैम प्रोवाइड करता है एंड इसका प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इन पांचों में से कोई भी फोन के लिए आप लोग जा सकते हो आपका नीड के अकॉर्डिंग। एंड यही पांच फोन है बेस्ट गेमिंग फोन ₹100, 20,000 एंड इन सभी का बेस्ट बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यही तक था, आशा करते आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर देना एंड रैंकिंग सही है कि नहीं ये भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ऐसे ही टॉप 5 बेस्ट ऑफ वीडियोस देखने के लिए। एंड दोस्तों अगर आपका प्रायोरिटी है कैमराज देन बेस्ट कैमरा फोन अंडर 25,000 का वीडियो भी हम लोग बनाए रखे हैं, उसका लिंक आप लोग आई बटन में मिल जाएगा, चाहो तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय।